So in this topic we have Tissue Engineering Central Drugs Standard Control Organization ने पहले जो सबसे पहली indigenously developed हमारी animal derived tissue engineering scaffold को approve कर दिया है skin wounds को heal करने के लिए. ये पहली बार जो हुआ है ऐसा, और indigenously मतलब जो हमारे country में ही खैर यहाँ पे बनी है. टिश्यू इंजीनियरिंग एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें आप टिश्यूज बनाते हैं या सेलुलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं आउटसाइड द बॉडी, या फिर आप बॉडी के अंदर के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए लैब में बाहर तैयार करते हो, फिर उन्हें इंसर्ट करते हो एंड दे रिपेयर द टिश्यूज. नाम से क्लियर है. इसमें होता क्या है, आप मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हो एंड सेल ट्रांसप्लांटेशन टू डेवलप सब्स्टिट्यूट टिश्यूज एंड ऑब्लिक और प्रमोट एंडोजेनस रीजनरेशन. वो बता चुका हूं मैं आपको, एंडोजेनस बॉडी के अंदर के या तो या फिर बाहर आपके, दोनों. और कंबाइन बता रहे हैं कि या तो मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हो और सेल ट्रांसप्लांटेशन, जो बॉडी के अंदर अगर कोई टिश्यू है उसको भी यूज किया जाता है ताकि हूबहू वो आप बना सको, वो रिप्लेस हो सके. आर्टिफिशियल स्किन कह लो या कार्टिलेज कह लो, लिगामेंट्स कह लो आज की डेट में आजकल जो आते हैं, ये सब आपके टिश्यू इंजीनियरिंग की ही एग्जांपल्स हैं. तो बहुत एक यूनिक बात है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एनिमल डिराइव्ड टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड जो है स्किन वूंड्स को हील करने के लिए इसको अप्रूवल दे दिया है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड कमर्शियली. सो इट्स अ फैक्ट इन इटसेल्फ. एंड टिश्यू इंजीनियरिंग क्या है वो याद रखिएगा.